हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हम अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट दैट इज एमएसओ 01 यूनिट 1, 2 एंड 3 इसकी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको चैनल पे दो डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें की एक जो प्लेलिस्ट है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जिसे आप लास्ट मोमेंट रिवीजन या एग्जाम से कुछ टाइम पहले पूरा डिटेल में देख के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है वहां पे शॉर्टकट मारा गया है, वहां पे भी क्वेश्चन को विद आंसर डिटेल में समझाया गया है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, डिटेल्ड वीडियो की, जिसमें इग्नू के बेसिस पे, इग्नू के कंटेंट के बेसिस पे यहाँ पे नोट्स बना के मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में टॉपिक समझा रही हूँ। 3 यूनिट एमएसओ 1 की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सो दिस इज द 4th यूनिट। काफी लंबे गैप के बाद ये 4th यूनिट अपलोड हो रही है, बट मैंने बोला था जितने नोट्स बन गए हैं उनको मैं नोट से कराऊंगी, अदरवाइज मैं प्रॉपर बुक लेके आपको वर्ड टू वर्ड बुक से कवर अप करा दूंगी सारी चीजें, ठीक है। तो दिस इज द सब्जेक्ट दैट इज एमएसओ 1 यूनिट 4 सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब नाम से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, रियलिटी मतलब वास्तविकता, जो चीज एक्चुअल में है। सोशल कंस्ट्रक्शन मीन सोसाइटी में उस चीज को लेके किस तरीके से, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बनाना किसी चीज का, राइट। कंस्ट्रक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट, टू मेक समथिंग। अब यहां पे इसको किस तरीके से आगे लिंक किया गया है, किस तरीके से इसके बारे में बात की गई है, दैट वी विल सी। तो देखते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ के डिटेल में बात करते हैं हम इसके बारे में। इन 1966 सोशियोलॉजिस्ट पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमैन रोट अ बुक कॉल्ड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये दो पर्सन थे जिन्होंने प्रॉपर इस टॉपिक पे क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जो आपका पूरे यूनिट है उस पे इन लोगों ने पूरी डिटेल बुक लिखी थी। अब क्या हमें बुक पढ़नी है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बुक तो हमें नहीं रीड करनी है, अपना सिलेबस ही अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हम अलग से डिफरेंट बहुत सारी बुक्स क्या पढ़ेंगे, राइट। तो अभी सिर्फ किस पे फोकस करो, सिलेबस पे फोकस करो। क्या बोला जा रहा है आगे, सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विच दे कॉल हैबिचुअलाइजेशन। आप जो ये सोसाइटी आपके आसपास देखने को मिल रही है, ये कैसे बनी है, हम ह्यूमन बीइंग यहाँ रहते हैं इसलिए बनी है, हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं इसीलिए ये सोसाइटी है, और उस प्रोसेस को उन्होंने एक वर्ड बोला, वर्ड दिया, दैट इज हैबिचुअलाइजेशन। हैबिचुअलाइजेशन डिस्क्राइब ही क्या बताता है कि हाउ एनी एक्शन दैट इज रिपीटेड फ्रीक्वेंटली बिकम्स कास्ट इन टू अ पैटर्न। देखो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न मतलब कोई चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई चीज एक बार हुई उसको पैटर्न नहीं बोला जाता है। आप लोगों ने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा, डाटा हैंडलिंग वगैरह, जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर आता था उसमें पैटर्न बताया जाता था। तो समथिंग दैट इज हैपन, अगर कोई मैं इस तरीके से इमेज बना रही हूं तो दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन ना, ये इस तरीके से मैं कुछ क्रिएट कर रही हूं तो ये अगेन एंड अगेन इसी तरीके से मूव कर रहा है, तो ये एक पैटर्न बन गया, राइट। तो पैटर्न ये चीज होती है जो चीज बार बार रिपीट कर रही है वो पैटर्न बन जाता है। Which can be performed again and again in the future in the same manner and with the same economical effort. मतलब जितना economical मतलब पैसा, जब भी economical word आ जाए ना, economical, तो economical means पैसा, तो उतने ही economical effort के साथ, मतलब उतने ही amount के साथ कोई चीज जब बार बार repeat हो रही है तो that particular thing becomes a pattern, ठीक है। अब आगे इसमें book के according ही मैंने सारी चीजें ली है, तो आगे introduction की बात की गई थी, तो क्या होता है, तो सबसे पहले देखो सोशल रियलिटी क्या होती है। सोशल रियलिटी होती है कि जो भी चीजें आपके सामने एग्जिस्ट कर रही हैं, कहां, क्योंकि सोशल है तो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, विच यू कैन सी, वो सारी आपकी सोशल रियलिटीज हो जाती हैं। तो सोशल रियलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी टू डेवलप डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, द थिंग दैट इज विजिबल। अब इनविजिबल किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ना, वो तो टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती है, और हम किसी की चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसमें गेस वर्क नहीं काम कर सकते हैं। रियलिटी इज समथिंग जो आपको विजिबल है, उस चीज के बारे में अलग अलग बात करना बन जाता है कंसेप्ट ऑफ सोशल रियलिटी। इसमें क्या है आगे, मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी लिव बाय सर्टेन बिलीफ एंड प्रिंसिपल। सही बात है, हर सोसाइटी के अपने कुछ बिलीव है, अपने कुछ प्रिंसिपल है, अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें वो मान के चलते हैं। बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ईच जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, हर जनरेशन के साथ चीजों में शिफ्ट हो जाता है। जो आपके पेरेंट्स की जनरेशन है आप उससे थोड़ा एक कदम आगे निकल चुके हो, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की थी आपके पेरेंट्स ने उतनी चीज अडॉप्ट नहीं की। स्ट्रिक्टनेस लाइक मेल फीमेल को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करना, घर के सारे काम फीमेल करेंगी मेल नहीं करेंगे, प्लस मैरिज को लेके बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके है, अर्निंग को लेके है,
फर्स्ट मतलब पहले गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू डू स्टडी और गो आउट फॉर द वर्क, लेकिन पेरेंट्स के टाइम तक और लिबरल हुई और आपके टाइम तक तो और भी ज्यादा लिबरल हो गई कि पढ़ाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि पढ़ो और एक जॉब लो अच्छी, अपना फ्यूचर सिक्योर करो. तो जनरेशन टू जनरेशन चीजें हर तरीके से चेंज हुआ है, हर पैटर्न में इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली हर तरीके से चेंज आया है. इन मैनी सोसाइटी द वर्जन ऑफ रियालिटी इज नॉट अ सिंगल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्ट बट कंस्ट्रक्ट ऑफ सेवरल लेयर. सिंपल सी बात है, कुछ सोसाइटी में सिर्फ एक पैटर्न एक चीज को ही रियालिटी नहीं बोला है, वो अलग अलग पैटर्न अलग अलग बिलीव्स अलग अलग वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें चेंज हुई उन सबको मिला के एक क्या बनता है, एक रियालिटी फ्रेम होती है. देयर आर मल्टीपल सिंक्रॉनिक रियालिटीज, बहुत सारी रियालिटीज हैं विच आर लिंक. सिंक मतलब एक सिंक में काम कर रही है, तो वो मतलब अभी ये थी फिर इस वजह से ये चेंज आया सोसाइटी में तो ये चेंज देखने को मिला. लाइक ग्लोबलाइजेशन आ गया तो उसकी वजह से हमें अपनी सोसाइटी में काफी चेंजेस देखने को मिले इकोनॉमिकली पॉलिटिकली लीगली सोशली. तो ये होता है कि एक सिंक में क्या हो रहा है, बहुत सारी रियालिटी एग्जिस्ट कर रही है. देयर आर प्लूरल इंडीड मल्टीपल रियालिटी सिस्टम अवेलेबल फॉर अस टू ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ. ईच जनरेशन ब्रिंग्स विद अ होल लॉट ऑफ परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन. सब हर जनरेशन की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है. हमारी जनरेशन फ्रीडम चाहती है, काम करना चाहती है, इक्वालिटी चाहती है, लिबर्टी चाहती है, अपॉर्चुनिटीज चाहती है काम करने की. तो सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है. एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेसिक लाइफ स्टाइल तो चाहिए. लाइक अभी पेरेंट्स बोलते हैं हमारे जमाने में तो ये हम एक लाइफ से पढ़ लिया करते थे, इसी की जरूरत नहीं थी हमें, और इतनी दूर दूर तक हम लोग पैदल चल के जाते थे. ठीक है, बहुत सारी और भी एग्जांपल आप लोग सुनते होंगे. आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी कैसे एग्जांपल्स आप लोगों को सुनने पड़ते हैं, आप सुनते हो. देखिए, दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेसेस. उनके टाइम में वो चीज कंफर्टेबल थी एंड उस टाइम पे एक वैल्यू सिस्टम और सोशल सिस्टम वैसा सेट था. लेकिन आज के टाइम पे जब उन्होंने एक पोजीशन हासिल कर ली है तो वो आपको उतना कंफर्टेबल लाइफ देने में सक्षम है, वो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, तो आप उस चीज के यूज टू हो गए हो. नाउ यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट. अगर आपको बाइक की साइकिल की आदत है, कार की आदत है, तो अब आपसे कह दिया जाए कि मीलो पैदल चलो तो यू कैन नॉट डू दैट. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए हमारा कि हम गर्मी से बचने के लिए फटाफट से एसी ऑन कर देते हैं, हमारे पास ऑप्शन है तो. और हमें पता है ये एसी इन रिटर्न एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को इम्पैक्ट तो कर ही रहे हैं ना ये. ठीक है, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करना मतलब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होना, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है इसी वजह से क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, और उसी हीट से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं. सो दिस इज द एक तरीके से देखो किस तरीके की साइकिल है जो वर्क चल रही है एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. ठीक है, हम कर भी नहीं रहे आज की डेट में. हमें लग रहा है भैया चार लाइटें जल रही है घर की, चलने दो ना. पहले के लोग एक लाइट चल रही है एक लाइट जलेगी, दोपहर है तो लाइट्स नहीं जलेंगी, रोशनी इतनी आती है, इन सब चीजों पे फोकस करते थे. क्योंकि पहले के पेरेंट्स आप जिनको स्ट्रिक्टनेस बोलते हो, कुछ चीजें जो स्ट्रिक्टनेस में काउंट की जाती है, देखिए कुछ स्ट्रिक्टनेस थी, आई विल नॉट सपोर्ट दैट, बट कुछ बेसिक चीजें वो स्ट्रिक्टनेस नहीं था, दैट वाज डिसिप्लिन जो सिखाया जा रहा है. एंड आजकल के चाइल्ड में दैट डिसिप्लिन दैट मॉरल्स ये लैक मतलब इस चीज की बहुत कमी है. सम टाइम द थिंग विच आई ऑब्जर्व बीइंग अ टीचर, मुझे लगता है आज की डेट में बच्चों के पास मॉरल एजुकेशन की कमी है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर टीचर देयर पेरेंट्स दे आर मतलब अपनी चीजों के ऊपर दे आर ओवर बर्डनिंग द थिंग्स. पढ़ाई को वो ओवर बर्डन लेके बाकी सारी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं. दे डू नॉट एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ फेलियर किसी भी फील्ड में, कह लो पढ़ाई की फील्ड में कम नंबर आना, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस नहीं है रिजेक्शन की. तो जितना आप सक्सेस एक्सेप्ट कर रहे हो उतनी आपको फेलियर एक्सेप्ट करनी चाहिए, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर मेक्स द लाइफ, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ. क्लियर? सो दिस इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी पार्ट फर्स्ट है. फर्दर टॉपिक हम इसके पार्ट टू में कवर करेंगे. ठीक है, पार्ट टू में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यूटी में लेके चलेंगे. सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी और अगर समझ में आ रहा है वीडियो बेनिफिशियल लग रही है. वैसे तो देखो आप लोग कर देते हो और मैं नहीं बोलती हूँ. यू गाइज नो अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो और आप रेगुलर वीडियोज देखते हो तो यू नो कि मेरी आदत नहीं है बहुत ज्यादा बोलने की, बट स्टिल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, सो दैट आई फील मोटिवेटेड टू मेक फर्दर वीडियो. एंड आप कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सके, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, रीच बढ़ेगी. ठीक है, क्या होता है ना लाइक एंड कमेंट से, देखो मैं भी सीख रही हूँ यूट्यूब, मुझे भी अभी यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, कुछ वीडियोस देख के मैं भी सीखती हूँ कि आपके लाइक एंड कमेंट से वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में आती है. एंड अगर वीडियो रिकमेंडेशन में आई है यूट्यूब उसको रिकमेंडेशन में डालेगा तो द मैक्सिमम पीपल विल वॉच दैट. और अगर इससे एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
पहुंचेगा एंड पर्सनली वीडियो बनाने वाले को भी एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है कि यस हमारा जो काम है द थिंग दैट वी आर डूइंग वो एक रिजल्ट लेके आ रहा है, उसका फायदा हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. दूसरी वीडियो में मिलते हैं फर्दर टॉपिक के साथ. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.